हमारे ट्रस्ट का, हमारे प्रेसिडेंट गुरुत्रा जी आए हुए हैं, और सारी जनता का धन्यवाद करता हूँ, मुबारक देता हूँ आज के अवसर पर। आप सब जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ये हमारे तीर्थ स्थल जो परमंडल उत्तरवहनी है, ये डुगर प्रदेश के महान तीर्थ स्थल है। काशी विश्वनाथ जैसे भगवान शिव सो रहे थे, एकदम आज से 29 साल पहले वो जागे, प्रकाश हुआ, और उन्हीं की कृपा से ये छड़ी यात्रा रणवेश्वर मंदिर से चल के हमारे बड़े महंत जी ऋषि बन गए, इनके नेतृत्व में साधु महात्मा साथ चल के ये छड़ी यात्रा वहाँ से शुरू होती है। कल इसकी शाम को वहाँ पूजा अर्चना हुई और वहाँ स्थापित की गई थी। आज उसके बाद रघुनाथ मंदिर, और आप देख रहे हैं कि बड़े विशाल ढंग से लक्ष्मी आय मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पूजा का आयोजन किया। अब इसके बाद ये छड़ी यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगी, यहाँ से महादेव मंदिर शास्त्री नगर, फिर उसके बाद दुर्गा मंदिर शास्त्री नगर, शिव मंदिर तुटा नगर, शिव मंदिर जयपुरराज, और दादा रामदेव भगवान के, और अद्भुत बात आपको भाईचारे की मिलेगी रामराना के अंदर। यहाँ हमारी मुस्लिम बिरादरी, सिख बिरादरी के लोग और सारे हिंदू बिरादरी के लोग सब मिलकर सारी छड़ी यात्रा का स्वागत करते हैं, वो स्वागत करेंगे और फिर आगे प्रमुख के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं इस मौके पर जहाँ सारे समाज को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वहाँ शिव भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमें शक्ति दें कि ये जो भारत माता का मुकुट आज जो घेरे में है, तरह तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर के फिर से रियासत बहाल हो और यहाँ शांति हो, और उनकी कृपा से ये सारा गुजर प्रदेश जो है, ये सारा का सारा जम्मू कश्मीर फिर आनंद से शांति से रहे। ये 29वीं छड़ी यात्रा है। आज से 30 साल पहले डॉक्टर प्यारे सिंह छोड़ ट्रस्टी धर्मा ट्रस्ट के और उसमें करते गवर्नर के भी कृष्णा राव मिल के ये जीवादान देने के बाद ये छड़ी यात्रा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आदरणीय महंत जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनके नेतृत्व जन चले।